हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बिटुमिनस कंक्रीट का वर्क चल रहा है, बिटुमिन कंक्रीट का बीसी का वर्क चल रहा है, जिसमें डामर का जो कंटेंट है, बिटुमिन कंटेंट 6% रहता है। तो आज मैं आपको बिटुमिन एक्सट्रैक्शन टेस्ट जो है वो बताऊँगा। तो आइए टेस्ट देखते हैं। बिटुमिन एक्सट्रैक्शन टेस्ट के लिए एक बैलेंस चाहिए रहता है, वेट मशीन। ये एक्सट्रैक्शन मशीन है, इसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। खोल उसको, देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन मैं पूरी चीज़ आपको जानकारी दूंगा। ये इसमें एक बाउल रहता है, इसमें हम सैंपल लेते हैं। पहले बाउल का वेट करना है हमको। ये हमने बैलेंस चालू कर लिया है। ये देखिए, जीरो आ गया है। ये बाउल का वेट आया है 836 ग्राम, ठीक है। 836 ग्राम। अब इसमें हम 500 ग्राम सैंपल लेंगे। इसको इसी में रखो, है ना। हाँ, 835 ग्राम हो जाएगा। 500 ग्राम सैंपल लेंगे इसमें। डालना, डायरेक्ट डालना, चम्मच से डालना। बस बस, कम कर ले उसको, कम कर ले, मुझे निकाल दे। होगी 1336 पे लाओ इसको। 1336 ला। एक टुकड़ा और निकाल। ये देखिए, 1336 ग्राम आ गया है। इसमें हमने 500 ग्राम जो है वो सैंपल का लिया है। अब इसको हम बेंजाइन से वॉश करेंगे एक्सट्रैक्शन मशीन में। मैनुअली है, मैनुअल ऑपरेटेड है। इसका जो ग्रेडेशन है वो बारीक माल रहता है। ये बिटुमिन कंक्रीट का जो है, बिटुमिनस वर्क का जो है, ये है। अब इसमें कितना परसेंट आता है ये हम देखते हैं। ये हम बेंजाइन डाल के इसको वॉश करेंगे। इसको वॉश करने से इसमें जो गिट्टी है, जो वो शेष रह जाती है, बच जाती है मतलब, और बाकी जितना डामर है वो निकल जाता है। में जो बिटुमिन कंटेंट है पूरा वॉश हो जाए, बेंजाइन में पूरा घुल जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा चम्मच से मिलाना पड़ता है। अगर ये एक बार में वॉश नहीं होता है तो इसको दो बार वॉश करते हैं। तो पहले एक बार वॉश करके देख रहे हैं। हो गया, लो फिल्टर पेपर लगा।
इसमें हम एक फ़िल्टर पेपर लगाते हैं ताकि इसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं और सीमेंट जो हम डालते हैं उसके पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें रह जाएं, बाहर ना गिरे, जिससे मेटल जो बचेगा बैलेंस उसका वेट सही आए। देखिए हैंडल लगा के इसको घुमाते हैं, अंदर में जो बाउल है वो घूमता है और यहाँ से इसको एक बार खोल के देखते हैं कि वॉश हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये अभी पूरी तरीके से वॉश नहीं हुआ है, इसमें बिटुमिन कंटेंट और रह गया है, तो इसको हम एक बार और वॉश करेंगे। मैं इसके कैलकुलेशन की शीट भी है जो एक एक्सेल पे आपको डाल दूंगा, जो अभी कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं उसका। ओके लो बेंजाइन डालो इसमें। इसको फिर से दोबारा वॉश करेंगे, पूरी तरीके से वॉश नहीं हुआ है ये देखिए। बेंजाइन इसलिए यूज़ करते हैं कि बेंजाइन में जो है बिटुमिन आसानी से घुल जाता है। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन पूरा देखेंगे तो आपको समझ में सही आएगा। हो गया। फिर से इसको जो पुराना फिल्टर पेपर है वापस लगा करके इसको पैक कर देते हैं। लगभग दो बार वॉश करना ही पड़ता है इसको, पेट्रोल से वॉश करते हैं लेकिन बेंजाइन ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए बेंजाइन जो है इसमें निकल के गिरने लग गया है पूरा, जब बाउल को घुमाया जाता है तो बेंजाइन पूरा गिर रहा है। देखिए सिर्फ मेटल बच जाएगा, डामर इसमें बेंजाइन में घुल के पूरा निकल जाएगा बिटुमिन। मैं आपको DBM के टेस्ट का भी वीडियो डालूंगा, ये BC बिटुमिनस कंक्रीट का टेस्ट है, बिटुमिन कंक्रीट का। इसमें हम चेक कर रहे हैं कि जो रोड वर्क में है डामर का परसेंट कितना है। हो गया।
देखिए दो बार वॉश करने के बाद में कितना वॉश हो गया। अब इसको सुखाएंगे। इसमें डस्ट का एक पार्टिकल भी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि एक ग्राम भी वजन कम हो जाता है इसमें अगर डस्ट से, तो अपना जो बिटुमिन कंटेंट या टेस्ट फेल हो सकता है क्योंकि परसेंटेज बढ़ जाता है। अब इसको ड्राई करेंगे। इसमें जितना बेंजाइन बचा हुआ है सब इसको ड्राई करना पड़ता है, उड़ जाए ताकि बेंजाइन का वेट इसमें ना आए। देखिए बेंजाइन कितनी स्पीड से उड़ रहा है, बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है। इसमें मेटल और डस्ट बचेगा दोस्तों, विटामिन जो कंटेंट है पूरा निकल गया है, धुल गया, वॉश हो गया है वो। अब इस बाउल का हम फिर से वेट करेंगे। तेरह सौ 36 ग्राम हमने लिया था, ये देखिए 1303 ग्राम आया है, मतलब कि 33 ग्राम जो है इसमें से विटामिन कंटेंट जो है बाहर निकल गया है। तो हमने 500 ग्राम सैंपल लिया था, तो 33 डिवाइडेड बाई हम 500 करेंगे दोस्तों, तो उससे परसेंटेज निकल जाएगा दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं इसके कैलकुलेशन शीट जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ दोस्तों।